अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। मैं बीजिंग से आपको सलाम पेश करती हूँ। आप कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छे अंदाज से गुजर रहा होगा जी। तो आज बीजिंग में ये मौसम काफ़ी ठंडा है क्योंकि कल और परसों बारिश हुई है। तो आपके शहर में मौसम कैसा है तो ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा, तो आज मैंने आपने लाइव शो में एक खास मेहमान जी, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है शाहिद अफराज खान साहब को दावत दी है। और शाहिद साहब तो काफ़ी अरसे से जिम में काम करते हैं और तो आज आपके आपका बहुत शुक्रिया। तो आज तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो वो जिम में रहने का तजुर्बा कैसा रहा और तो इनका रमज़ान कैसा जा रहा है, और इसके अलावा तो जिम में क़याम के दौरान कुछ दिलचस्प वाकियात और तजुर्बा से मुतारिक भी इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, तो आइए हम एक साथ मिलकर शाहिद साहब से बातचीत करें। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना भी चाहती हूँ है कि अगर आपने जिम का दौरा किया या जिम में आने का इरादा है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और हम एक साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने जिम का किसी शहर का दौरा किया है और इसके दौरान कोई बहुत दिलचस्प कहानी है या बहुत आज हमारे साथ शेयर करें जी, हमारे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है जी साहिबा, बेहद शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है आपके लाइव शो में आपने मुख्तलिफ मौजूदात पर बात की चीन के हवाले से। आज आपने एक पाकिस्तानी को भी अपने शो में बुला लिया। तो जो अब तक अरसा गुजरा इस हवाले से जो आप पूछेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे इस वक्त नाज़रीन फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं कुछ उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उनको उसी अंदाज से जवाब भी दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमारे फेसबुक नाज़रीन के लिए तो आप अपने तारुफ़ कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो नाज़रीन जो मेरा सफ़र है मीडिया का वो बेसिकली रेडियो पाकिस्तान से इफ़त साहिबा शुरू हुआ 2007 में जी। मैंने बतौर प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद को ज्वाइन किया और बाद में फिर कुछ अर्सा के लिए मैं जो जर्मनी का नशरियाती इदारा है डॉयचे वेले उससे भी वाबस्ता रहा। फिर 2015 में यहाँ पर मैं चीन आया और चीन से बस ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जो आज भी जारी है और चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो अब CMG चाइना मीडिया ग्रुप हो चुका है इसकी उर्दू सर्विस से वाबस्तगी। तो कह सकती है कि ये जो सहाफत का सफ़र है मीडिया का अब इसको 13 से 14 बरस हो चुके हैं तो अभी भी जारी है। माशाल्लाह। तो मैंने देखा है आप जर्मनी भी गए हैं तो आप दुनिया के कई ममालिक में भी जा चुके हैं मेरे ख्याल में। तो आप कितने अरसे से जिम में मौजूद हैं और अभी यहाँ तो जिम में रहने का तजर्बा कैसा रहा? जी बिल्कुल इफ़त साहिबा, अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो इसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कुवैत, तुर्की, ईरान, जनूबी कोरिया और कई ममालिक हैं जहाँ मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ जाने का और आम तौर पर सरकारी तौर पर ही वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन चीन ये बात है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी वक्त हो गया काम करते हुए, बाकी ममालिक में बहुत थोड़ा थोड़े अरसे के लिए गया लेकिन चीन में चूँकि अब जैसा आपने पूछा तो 3.5 साल मुझे हो चुके हैं चीन में और यहाँ पर जो काम का तजर्बा है इस लिहाज से मुनफरिद है कि एक ऐसे वक्त में मैं यहाँ पर चीन में मौजूद हूँ कि जब चीन की जो तरक्की है अपने उरूज पर है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम मईशत की बात करें, अगर हम समाजी बहबूद की बात करें, कोई भी ऐसा शोबा हो कि जो जिसमें आप इस वक्त चीन को जो है सर फहरिस्त पाएंगे तो एक ऐसे वक्त में यहाँ पर चीन में मौजूद हूँ और अपनी आंखों से चीन की जो तरक्की है इसका मुशाहिदा तमाम लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होता है और बतौर सहाफ़ी आपके लिए ये एक इजाफी चीज़ होती है कि आप खुद देखते हैं कि चीन ने जो पिछले 40 सालों में जो प्लानिंग की थी, जो इस्लाहात थी, आज उनके जब सम्राट सामने आ रहे हैं मैं वो सम्राट खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जी बिल्कुल ओके। और मैं यहाँ ये आपको कहना चाहती हूँ कि आपके कमेंट्स हमें तो मिल रहे हैं तो अगर आपके पास कोई चीन के हवाले से कुछ सवाल आते हैं तो पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और हम देख सकते हैं और आपको जवाब दूंगी। जी बिल्कुल, और इफ़त भी अच्छी भली हमारी एक्सपर्ट हैं नाज़रीन, आप इफ़त से भी ज़रूर पूछिए। तो माशाल्लाह उर्दू इनकी बहुत अच्छी है, पहले भी शोज़ करती रही हैं। 2 साल के लिए तो पाकिस्तान में काम किया है
है। जी बिल्कुल, तो आप माशाल्लाह आपका लाइव शोज का चूंकि एक्सपीरियंस है, लोग आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप इस वक्त चीन पाकिस्तान दोस्ती की एक अलमबरदार है, आप आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप गरीब बरसों से जिम में काम कर रहे हैं, तो यकीन है आपको यहाँ रमजान गुजारने का मौका भी मिला होगा, तो जिम में आप कैसे रमजान गुजारते हैं और तो क्या महसूस होता है? जी फसाबा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा रमज़ान है यहाँ पर जो है चीन में, और एक तो ये कि एक ऐसे वक्त में यहाँ पर चीन में मौजूद रहा मैं कि जब पाकिस्तान में थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, आमतौर पर जून जुलाई के जो रोज़े होते हैं, तो एक तो पहली बात ये अच्छी लगी कि यहाँ पर बहुत मौसम अच्छा है तो आपको रोज़ों का पता ही नहीं चलता है, आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। दूसरी चीज़ ये बात ये भी है कि क्योंकि हमारा जो दफ्तर है इसका माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है लोग यहाँ पर जो काम करते हैं। और यहाँ पर एक फसल मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो हमारे पाकिस्तानी इस वक्त लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाज़रीन आमतौर पर ये होता है कि हमारे जो चीनी दोस्त हैं इनकी जानिब से एहतराम रमज़ान की जो एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि इनकी ये कोशिश रहती है कि रमज़ान के दौरान जो ऑफिस में ये भी कोई चीज़ खाने से परहेज़ करें हमारे सामने, तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़रा ऐसा माहौल है। इसके साथ साथ हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, हम चार पाकिस्तानी माशाल्लाह यहाँ पर एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, हमारे जुबैर बशीर साहब माशाल्लाह पकौड़ों की दावत उनकी हमेशा रहती है, साना साहब माशाल्लाह और शहरी कबर है तमाम करती हैं, इस तरह शाकिर साहब और तमाम लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। फिर हमारे कुछ अरब ममालिक के दोस्त भी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ रमज़ान के हवाले से तबादला ख्याल होता है, अक्सर जो हमारे अरब ममालिक के दोस्त हैं वो खजूरों को तोहफा भी हमें देते हैं, तो आप बहुत अच्छा आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी अच्छे तरीके से रख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, और मैंने जानती हूँ कि आप भी बीजिंग के अलावा दीगर शहर आप भी गए हैं, जैसे छिंदाओ में आपने जिक्र किया है, तो आप कौन कौन से शहर का दौरा किया और सबसे अच्छी जगह कौन से रखा? जिसमें फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर शहर देखने का मौका मिला, अगर बात करता चलूँ तो फुजियान में गया हुआ था, इसके अलावा मैं चुंगचिंग अभी गया था, शंघाई में गया हुआ हूँ, इसके अलावा ईबू शहर है वहाँ पर मैं गया हूँ, इसके साथ साथ छिंगटाओ शहर में एससीओ समिट मुझे तीन मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ, 15 दिनों के अंदर मैं 3 मरतबा गया जी। इसके अलावा मैं 2012 में जो उर्मिची भी गया हूँ वो भी एक समय, तो इसके अलावा लियाओनिंग प्रोविंस से वहाँ भी गया हुआ हूँ, और सबसे चंगदू शहर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा सिचुएशन। जी इसके दो पहलू हैं, चंगदू में एक तो इफ़्त साहब ये है कि मैंने सुना था कि ये पांडे का घर है, जी 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 तो वहाँ पर जाकर चूंकि चीन का कौमी जानवर भी है पांडा, तो वहाँ जाकर उसका जो सेंटर था वो भी देखा। फिर दूसरी बात ये कि जो चंगदू शहर है और जो पाकिस्तान का शहर लाहौर है इनको सिस्टर सिटी भी कहा जाता है। इसकी जो वजह जो है नाज़रीन वो ये है कि जो चंगदू शहर है उसके जो खाने हैं वो लाहौर से बड़े मिलते जुलते हैं, बहुत स्पाइसी है। जी बहुत ही इसमें मसालेदार होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं, और जो बीजिंग के लोग हैं वो चूंकि कम मसाले वाले खाने खाते हैं, लेकिन जो चंगदू के लोग हैं वो बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं। जो आपने दिलचस्प बात कही, तो चीन के अक्सर इलाकों में बहुत ठंड होती है, और जब मैं लियाओनिंग प्रोविंस गया तो बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको भी नाज़रीन बताता चलूँ कि जो हमारे मुंतज़मीन थे उन्होंने ये कहा कि सुबह 9 बजे कि आपने आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो हम तैयार होकर जो है नीचे अपने होटल पर आए रिसेप्शन पर, तो उन्होंने कहा कि आप बस तैयार है, जो ही हम बस में बैठे तो ठीक जो है 45 सेकेंड बाद बस रुक गई, हमने कहा शायद कोई वैसे रुकी है, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस है उसका मुकाम आ चुका है। हमें बहुत बेहद हैरत हुई, हमने उनसे पूछा कि हम तो पैदल भी आ सकते थे, सिर्फ 45 सेकंड का फासला था। उन्होंने ये कहा कि असल में चूंकि सर्दी ऐसी है -18-20 टेम्परेचर है, तो ये ना हो कि कोई आप में से बीमार पड़ जाता है, बेशक 45 सेकंड ही सही लेकिन हमने आपको बस पर जो है वो लाए। इसी तरह मुख्तलिफ हर शहर की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। अब जो छिंगटाओ शहर है वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं, खासतौर फ्रूट्स जो हैं, तो वहाँ के जो चेरी मुझे बहुत अच्छी लगी, एससीओ समझता जी सी फूड है, तो हर इलाके की अपनी अपनी खासियत है जहाँ हम जाते हैं। इस तरह ईबू है या खेचाओ शहर है सुबह छेजैंग में, ईबू में बहुत पाकिस्तानी जी कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर जब मैं गया तो आप मैं समझा कि शायद मैं पेशावर में हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं ये ईबू में और खेचाओ में बहुत ज्यादा है। जब आप जाते हैं उस शहर में तो आपको आप जो है आप एंटर होंगे तो आपको वहाँ पर मस्जिद भी मिलेंगी, तो साथ साथ आपको जो है शलवार कमीज में आपको पाकिस्तानी भाई तमाम रेस्टोरेंट्स भी दुकानें भी उनकी हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप समझते हैं कि आप मिनी पाकिस्तान या मिनी खैबर पख्तूनख्वा, ऐसा लगा मुझे।
बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. तो आप, मैंने देखा है तो आप जिंग के दारुल हुकूमत बीजिंग में भी काम करते हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी काम करते हैं. तो आपके ख्याल में ये दोनों शहरों के दरमियान क्या फ़र्क है, तो हमें बताएं. इसमें एक फैसला बीजिंग और इस्लामाबाद दो दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमत हैं और दोनों में बड़ी मुमासलत भी है. आप लोग इस्लामाबाद रही हैं, आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद शहर है वो मार्गला के पहाड़ उसके अतराफ में आते हैं. बीजिंग में बिल्कुल सेम ऐसा ही है. दूसरी एक और हम चीज के दोनों का जो जोग्राफिया है काफी हद तक मिलता है. जब टेम्परेचर की बात करें हम सर्दियों में, चूंकि सर्दियां तो खैर बीजिंग की ज्यादा सख्त होती है इस्लामाबाद की नस्बत, लेकिन मौसम गर्मा में आमतौर पर टेम्परेचर भी काफी हद तक मुमासलत है दोनों में. और इस लिहाज से इस्लामाबाद भी इस खूबसूरत शहर इस लिहाज से है कि इसको दरख्तों का शहर कहा जाता है. वहाँ पर ग्रीनरी है, हरियाली है. और लेकिन जो एक मसाइल इस वक्त सामने रहे, जो आपने फ़र्क का पूछा, फ़र्क का बुनियादी तौर पर अगर हम बीजिंग की बात करें तो दुनिया के एक मसरूफ तरीन दारकूमत है. तो यहाँ पर जो बीजिंग का सबवे सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अलावा जो तफरीही मराकज हैं, साथ साथ जो शहरी बहबूद के जो मनसूबे हैं वो इस्लामाबाद से काफ़ी आगे हैं. एक बार ये कि क्योंकि चीन इस लिहाज से तरक्की के लिहाज से इस वक्त तेजी से आगे जा रहा है, तो इस्लामाबाद में चूंकि यह हुआ कि आबादी कुछ तेजी से बढ़ गई पिछले कुछ अरसे में, तो उस तरीके से वसाइल जो है वो तरतीब नहीं आ सकी उनकी. तो यहाँ पर चूंकि मैं आपके इस वीडियो के तवस्त से ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो इस्लामाबाद शहर है दरख्तों का शहर है, और बीजिंग की जो स्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको यहाँ पर शहराओं के अतराफ में हमेशा आपको दरख्त मिलते हैं तमाम बीजिंग शहर में. हमारे इस्लामाबाद की जो खासियत थी आपको दरख्त हर जगह मिलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि आबादी बढ़ती गई, तामीराती मंसूबे सामने आते गए, तो दरख्त शायद ज्यादा कट गए. तो मैं चाहूंगा कि आज जरूर ये अपील भी करूँ जो हुक्काम हमारी बात सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है दरख्तों के लिहाज से उसको खुदारा दोबारा बहाल किए. जी 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 जरूर. तो आप जिन्हें लोगों के साथ भी काफी अरसे से काम करते हैं, तो इनके साथ काम करना आप कैसा रहा? अब चीनी लोग जो हैं इफ़त साहिबा बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि मेहनती हैं. जब मैं मेहनती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आमतौर पर हम जब पाकिस्तान में काम करते हैं ना, तो एक लफ्ज़ बहुत आम सा बोला जाता है. आप किसी को कोई टास्क देंगे ना कि आप ये काम कर लें, तो हम कहते हैं अच्छा मैं कल कर लूँगा, जबकि चीन में कल का तसव्वुर नहीं है. ये मैंने उसको आजमाया है. यहाँ पर जो जब काम जिसको दिया जाएगा वो उसी दिन वो काम ख़त्म करेगा. फिर दूसरी चीज़ के चीन में जो टीम वर्क का तसव्वुर है, क्योंकि हम दफातर में काम कर रहे हैं अब 3.5-4 साल हो चुके हैं, जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है. लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और फिर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पिंग हैं. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके हौसला अफजाई की जाती है और आपको तमाम मौके जो है वो दिए जाते हैं कि आप जितना मुमकिन हो सकता है आप ये काम करें. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस लिहाज से. ओके, बहुत शुक्रिया. और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि मैं 2 साल तक पाकिस्तान में काम किया है ना, तो जो भी मैंने देखा है, तो हम तमाम पाकिस्तानी लोग मेरे कलीग्स सब बहुत मेहनत से काम रहे हैं, जैसे आप भी बहुत मेहनत से और बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत यू नो गर्मजोशी से हमें यू नो दोस्त के साथ ट्रीट करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं. आपका शुक्रिया. और एक और चीज़ क्योंकि आपने दोस्ती का तस्करा किया, तो यहाँ पर नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि आमतौर पर जब हम बाहर जाते हैं ना, तो चीन पाक दोस्ती का बड़ा तस्करा हमेशा सुनते हैं कि शहद से मीठी है, हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है. इसकी हमें अमली मिसाल मिलती है जब हम बाहर निकलते हैं. आप इफ़त साहब, हमारी जो नज़दीकी कम्युनिटी है जहाँ से हम सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ पर जो एक सब्जी वाला है, तो अगर उससे हम क्योंकि चीनी हमें नहीं आती, हमारी बदकिस्मती के लिए हमने नहीं सीखी, तो वो हमारा जब हम उसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान, तो वो पहले लफ्ज़ कहते हैं कि जी वो पहले लफ्ज़ कहते हैं फंगियो. अच्छा, इसमें तो आप दोस्त हैं हमारे. हम वो क्या करते हैं कि हम उसे कोई भी चीज़ खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, सब्जी फ्रूट वगैरह, तो हमें इजाफी चीज़ें डाल के देते हैं. फ्रूट वगैरह डाल देगा, साथ धनिया, सब्ज मिर्च वगैरह. क्यों? वो कहते तुम मेरे दोस्त हो. तो ये बहुत अच्छे जज्बे लगते हैं कि आप चीन के किसी भी शहर में आप चले जाएँ और वहाँ आपको पाकिस्तान का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपसे यकीनी तौर पर जो उनकी मोहब्बत होगी वो बड़ी अलग सी होगी. आपके ये अच्छे लफ्ज़ का बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, अच्छा. और जमात जनाब, आपके ये अहम त्यौहार ईद उल फितर आने वाली है, तो आपका क्या प्लान है मनाने का? ईद उल फितर का ऐसा है इफ़त साहिबा, चूँकि हमारे जो
यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी एक्टिविटी होती है वो ईद की नमाज होती है। यहाँ पर न्यूजे नाजरीन को भी आगाह करते चले, न्यूजे का जहाँ पर जो कस्बा है नाजरीन, वहाँ पर न्यूजे मस्जिद है, 1000 साल कदीम मस्जिद है वहाँ पर हजारों मुसलमान जो है वो जमा, हमेशा ईद बड़ा इज्तिमा बीजिंग में न्यूजे में होता है। तो ईद की नमाज की अदायगी के बाद आप मुख्तलिफ लोगों से ईद मिलते हैं। अब उसमें अब पाकिस्तानी भी हैं, उसमें और ममालिक के लोग भी हैं, अरब भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ईद मिलने के बाद फिर वहाँ पर न्यूजे के साथ ही एक बाजार है, उस बाजार की जो खूबी है कि वहाँ तमाम चीज़ें हलाल हैं, और ईद की मुनासिबत से वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पकवान तैयार किए होते हैं, मिठाई भी होती है और दीगर चीजें होती हैं। तो आप वो खरीदते हैं, वापस घर आते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारे चीनी जो हमारे कुलीग हैं बड़ा इस्तकबाल करते हैं, ईद मुबारक वो समय लगता है। फिर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो उनकी एक बड़ी तादाद है यहाँ पर बीजिंग में, तो वो फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टीज का इनकार करते हैं, आप आए हमारी तरफ, हमारे अपने भी जिस तरह यहाँ पर चूंकि हमारी ईद उल फितर का एक इफत साहब बड़ा एक एक रवायत सी होती है कि मीठी ईद दिखाया जाता है, इसको मीठे का एहतमाम किया जाता है। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि जुबैर भाई अगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मीठे का वो खास तौर पर एहतमाम जो है वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि थोड़ा सा अलग बात यह है कि की वजह से जो समाजी इज्तिमात हैं वो इतने आम नहीं है इस वक्त, थोड़ा सा हमें इस लिहाज से भी थोड़ा सा मोहतात रहकर आगे चलना पड़ेगा। ये ईद जो है बिलाशुबा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो सादगी के साथ मनाएंगे, क्योंकि हालात की नज़ाकत ऐसी है कि सादगी का तकाजा इस पर बनता है। जी बिल्कुल, तो ईद मुबारक। अभी आपने मुझे आपने मुझे 15 दिन पहले कह दिया। यस, 15 दिन ओके। तो आखिर जनाब आपके घर वाले भी हमारे ये लाइव शो देख रहे हैं, तो आप इनकरी और तमाम पाकिस्तानी भाई बहन के को क्या कहना चाहते हैं? जी फिर सर, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक तो रमज़ान है, बाबरकत महीना है, जो तमाम हमारे मुसलमान हैं इस वक्त इबादात में भी मसरूफ़ हैं। तो पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हमें अपनी जिम्मेदार जो है अपनी अदा करनी होगी, और पाकिस्तान में इस वक्त इफ़त साहिबा बाज़ारों में रश होता है, ईद की लोग शॉपिंग करते हैं जी। और मैं चाह रहा था कि मैं तमाम लोगों से ये अपील करूं कि चीन में हमने इस चीज़ को खुद देखा कि तमाम बाज़ार बंद हो गए, लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि चीन आज कोरोना वायरस पर काबू पा चुका है, तो पाकिस्तान में मैं चाह रहा था कि जो हमारे पाकिस्तानी हमवतन, चाहे मेरे घर वाले हों, अजीज रिश्तेदार हों या पूरी जो पाकिस्तानी कौम है, कि वो कोशिश करें कि ये ईद सादगी से मनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वक्त नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते खरीदेंगे तो आपकी ईद बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा इस प्रोग्राम के तवसत से ये पैगाम होगा इस मरतबा कि ये ईद आप सादगी से मनाएं और उन लोगों के साथ मनाएं। कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, ज़ाहिर उनके जॉब, तो मैं चाह रहा था कि ये ईद आप उन लोगों के साथ मनाएं, उन लोगों की इमदाद करें जो आपको ईद की ये खुशी होगी दूसरों के साथ मिलकर मनाने की, वो शायद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली होगी। तो ये मेरा ईद का हवाले से पैगाम था, और बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी हमवतनों के लिए, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इससे कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे अच्छे जज्बे के साथ, जिस तरह चीन ने शिकस्त दी, हम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बहसियत कौम इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। जी जी बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। और जिन्हें अवाम इस वक्त जो कोरोना वायरस के खिलाफ भी घर में ही रहते हैं और आइसोलेशन में ही रहा और तो बाहर नहीं गए, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर जाना है तो ज़रूर मास्क पहनें, अपने तहफ़ के लिए और दूसरों के तहफ़ के लिए भी है। ओके, तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दोस्तों को ये भी बहुत शुक्रिया, और ये है हमारी आज की गपशप। तो बेहद शुक्रिया आपके इफ़त साहिबा, मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मेरे पाकिस्तानी हमवतन हैं उनसे बातचीत का मुझे मौका दिया कि मैं लाइव उनसे बातचीत कर सकूं, कुछ तबादला ख्याल कर सकूं। बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, तो इफ़त को नेक्स्ट लाइव तक इजाज़त दीजिए।